शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधा, राधा प्लीज मुझे, डॉक्टर, डॉक्टर, इस लड़की के साथ एक लड़का भी था, शास्त्री, मैं उसकी बहन हूँ, डॉक्टरों से ज्यादा चोट तो नहीं आई ना, वो ठीक है ना, कहाँ है वो? आप मेरे साथ आइए। जब ये आए थे यहाँ पर तब इनकी हालत बहुत खराब थी, खून बहुत ज्यादा बह चुका था, हमने इनका इमरजेंसी ऑपरेशन किया तब जाकर ये ठीक हुए हैं। संभालिए अपने आप को मैडम, वो लड़की जो बाहर बैठी रो रही है वही इनको यहाँ पर लेकर आई है, वो खुद भी बहुत बुरी तरह से जख्मी है और उसे भी इलाज की जरूरत है, लेकिन इलाज करवाना तो दूर, वो अपने आप को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। She is under trauma. Please आप उसे समझाइए कि जितनी जल्दी हो सके वो अपनी ड्रेसिंग करवा ले, क्योंकि ये रोड एक्सीडेंट का मामला है, अगर उसने अपना इलाज जल्दी नहीं करवाया तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, प्लीज़ जाके समझाइए उसे। आप जाइए, मैं बात करती हूँ। राधा क्या है सब? राधा हमारी तरफ देखो, राधा राधा होश में आओ। दीदी दीदी कल ठीक तो हो जाएगा ना, वो होश में तो आ जाएगा ना दीदी, उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती हमारी थी, रोना बंद करो, अभी हमारे साथ चलो अपना चेकअप करवा लो, टेटनस का इंजेक्शन लगवा के अपनी ड्रेसिंग करवाओ वरना इंफेक्शन हो जाएगा तुम्हें। आओ हमारे साथ चलो, उठो आराम से, उठो उठो आराम से। बस बस हो गया, अब घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। रोना बंद करो अभी। बज गए, इस लड़की का कोई अता पता नहीं, ना फोन आंसर करती है ना कॉल बैक, जिम्मेदारी का तो कोई एहसास ही नहीं, क्या लग करे हम इसका। अगर कहीं राधा को कुछ हो गया, नहीं नहीं हेलो राधा, ये क्या तरीका है, हम कब से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं। आंटी मैं नियति बोल रही हूँ। नियति सब ठीक तो है ना?
आंटी प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और घबराइएगा नहीं। हम अभी आते हैं। लेना डा पर आधा अपनी फैमिली और वेल विशर से झूठ बोलना तो गलत बात है ना। अगर तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया तो फेस करो उनको और उन्हें समझाओ कि तुम क्यों गलत नहीं हो। और अगर तुम्हारे अंदर ये बोलने का साहस नहीं है तो ऐसा कोई भी काम मत करना जो तुम्हारी फैमिली को पसंद ना हो। यू राइट, प्लीज ये बात आई जी को मत बताइएगा प्लीज। आई एम सॉरी राधा, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती चुकाने चली है क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। निभाने चली है और खास तौर से पार्वती आंटी से झूठ बोलने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी अभी थोड़ी देर में पार्वती आंटी तुम्हें पिक करने आने वाली है तो बेटर होगा तुम उन्हें फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? हम बस थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा आते वक्त राधा को साथ ले आएंगे। आते हैं। दीदी इतनी जल्दी में आखिर कहाँ जा रही होंगी? साइलेंस। दादा प्लीज चुप हो जाओ और बाहर जाकर बैठो। अगर डुगू ने तुम्हें देखा तो तुम और डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लीज डोंट वरी, अब ये खतरे से बाहर हैं। हालांकि इन्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी है, ठीक होने में काफी समय लग सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ओके बहुत जल्द इन्हें होश आ जाएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग बाहर जाकर बैठिए क्योंकि आप लोगों के बातचीत करने से पेशेंट को डिस्टर्ब होगा। सो प्लीज चोट आई है, घरवाले पूछेंगे तो क्या कहेंगे हम उनसे? आज तो राधा आप क्या कहेंगे और हम क्या कहेंगे? आज तो हम दोनों की खैर नहीं। आई जी आई एम सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आई प्रॉमिस टू यू हम आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हमें घर वालों से बचा लीजिएगा प्लीज, हमें बहुत डर लग रहा है। राधा आपसे ज्यादा डर तो हमें लग रहा है आपके लिए। आप जानते हैं घर वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं, फिर भी आप देख, आपने अपनी आजादी का बहुत गलत फायदा उठाया है और उससे भी गलत काम आपने झूठ बोलकर किया है। राधा आपको पता होना चाहिए कि जब घर वाले किसी चीज के लिए मना करते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए होता है, की सुरक्षा के लिए। भाई जी प्लीज आप ये बात ईश्वर भैया और माई को मत बताइएगा। अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो पता नहीं क्या करेंगे, कहीं वो हमारा कॉलेज तो बंद नहीं करवा देंगे ना। अब ये सारी बातें सोचने का कोई फायदा नहीं है राधा, आप बस इतनी कोशिश कीजिए कि आप किसी तरह उन्हें समझा सके कि आप ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगी। हो सकता है वो लोग को इतनी सख्त सजा ना दें। बाकी अगर आप ये सोच रही हैं
कि ये सारी बातें हम ईश्वर और माई से छुपाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। राधा, हम झूठ नहीं बोलेंगे उनसे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हम सही हैं तो हमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर हमें झूठ बोलने की जरूरत पड़े तो हम सही नहीं हैं। आपके भाई कैसे हैं? आंटी, उसे अब तक होश नहीं आया। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। आपने अपने पापा को इन्फॉर्म किया? नहीं आंटी, पापा को अब तक कुछ नहीं बताया। आजकल पापा बहुत कमजोर दिल हो गए, तो मैंने सोचा एक बार क्रिश होश में आ जाए तब पापा को बताऊं, वरना पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। आप परेशान मत होइए, आपके भाई को कुछ नहीं होगा। आंटी, आंटी, पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे, अब तक ना मैं घर पहुंची हूँ और ना ही कृष्ण। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अभी घर चली जाइए, पापा को समझा बुझा कर फिर लौटना। आपका तो काम भी ऐसा है कि उन्हें शक नहीं होगा। आप वापस आ जाएंगी, फिर हम इन्हें लेकर घर जाएंगे। हाँ नियति दी, आप घर जाइए, हम लोग कृष्ण का ध्यान रखेंगे। पर आंटी, आपको बिना वजह परेशानी होगी और आप घर जाने में लेट हो जाएंगे। नियति, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। थैंक यू आंटी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। बाय आंटी। हाँ बेटे। भैया जी, भैया जी। हाँ वाली बोलो। गई तू, और वो माश है अब तक नहीं आया। कब से फोन कर रहा हूं, फोन भी बंद है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बहुत आवारा होता जा रहा है। आने दे उसे, ऐसी खबर लूंगा ना सीधा हो जाएगा। पापा, दुगु का फोन आया था मुझे कि वो आज रात अपने दोस्त के यहाँ पे पढ़ने वाला है, इसीलिए कल सुबह आएगा। तक आएगा? एक मिनट, क्या मतलब? वो पापा, एक्चुअली टुकू का फोन ऑफ हो गया था, इसीलिए उसका फोन नहीं लग रहा था। उसकी गलती नहीं, उसने तो मुझे बताया था, पर मैं काम में इतनी बिजी हो गई कि आपको बताना ही भूल गई। सॉरी पापा। बच्चे भी ना। अरे रुक, कहाँ जा रही है? वो पापा, कुछ जरूरी काम है, किसी को मेरी जरूरत है। किसे? है कोई, किसी का अपना। पापा मैं आके आपको सब बताती हूँ, बाय। अरे मेरी, पापा आने के बाद बात करते हैं ना, बाय। कमाल के बच्चे, एक अब तक आया नहीं और एक आकर वापस चली। ले लीजिए बेटा, अच्छा लगेगा। लीजिए, पानी पीजिए। टुकु, 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 तुझे होश आ गया? छोटी, पागल लड़का, क्या कर लिया तूने ये सब? तुझे कुछ हो जाता तो? रिया, सॉरी के बच्चे, तू ठीक हो जा, फिर बता दियो तुझे। अच्छा बस बस, अब इन्हें आराम करने दीजिए आप, हम लोग भी चलते हैं, वरना घर में सब परेशान हो जाएंगे। जी। घर वालों की परेशानी से आपको कहां कोई फर्क पड़ता है माँ, कोई फर्क पड़ता है माँ?
आप अपने गुस्से पर काबू रखिए। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, हम आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल आपको कुछ बताना होता, तो आप ये सब होने से पहले हमें बता चुके लेकिन हमें अपनी बहन की शर्मनाक बात बाहर वालों से पता चली। और यहाँ कर क्या देखते हैं? ये हमारी माँ तो ऑलरेडी मौजूद है, हमारी बहन की गलतियों पर पर्दा डाली, माँ जरा सोचिए, ये खबर सुनने के बाद हम पर क्या गुजरी, कैसे गाड़ी दौड़ाते हुए हम यहाँ पहुंचे। रास्ते भर हमें एक ही डर सता रहा था कि भगवान जाने हमारी बहन की क्या हालत है। लेकिन यहाँ आकर हम क्या देखते, कि माजरा तो कुछ और ही, जिसे दुकान पर लाते हुए भी हमें शर्म आ रही। अच्छा सिला दिया आपने हमारे भरोसे का। खैर आपसे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले जरा इनसे तो बात। ईश्वर मानना पड़ेगा डीएसपी शास्त्री, आप तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा शास्त्री। आपने अब अपने इस गुड फॉर नथिंग भाई को हमारी फैमिली का नाम खराब करने के लिए हमारी बहन के पीछे लगा दिया। अरे बेशर्मी की कोई हद है कि नहीं, हमने आपको इतनी बार बख्शा है फिर भी आप बाज नहीं आती ना। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमें भी ये सब कुछ अभी पता चला। बस रहने दीजिए अपनी ये सफाइयां, आप जैसी लड़कियों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अरे अपने फायदे के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं, और आप जैसे लोगों की हमारे पास सही इलाज भी, एंड यू हुआ ना दर्द। हमें भी दर्द हुआ था जब हमें यह पता चला कि हमारी बहन एक बेहुदा लड़के के साथ बाइक पर घूम रही है। शुक्र मनाओ कि तुम इस वक्त बिस्तर पर लेटे हुए हो, वरना जो गुनाह तुमने किया है उसके लिए तो तुम्हारा गला घोट देना चाहिए। दुआ करो अपने भगवान से कि वो ज्यादा से ज्यादा दिन तुम्हें बिस्तर पर लिटा के रखे, क्योंकि जिस दिन तुम इस बिस्तर से उठ गए ना, उस दिन इससे भी बुरी हालत में तुम्हें लौटाएंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने हमारे भाई को धमकी देने की? जब तक एक भाई बोल रहा था अपनी बहन के लिए कंसर्न था तो मैं चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अगर एक गुंडे ने किसी को जान से मारने की धमकी दी तो ये डीएसपी चुपचाप नहीं सुने, और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या कर लेंगे आप, कर क्या सकती आप? करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं हर वो चीज कर सकती हूँ जो एक पुलिस ऑफिसर कानून के दायरे में रह के कर सकता है, खास तौर से तब जब एक गुंडा किसी को जान से मारने की धमकी दे। मैं जानती हूँ आपके वकीलों की फौज आपको अदालत से तो बचा लेगी, पर आपके करियर पर एक दाग लग जाएगा कि आप युवाओं के नेता नहीं बल्कि उनके दुश्मन है। शट अप, वरना हम आप... वरना क्या कर लेंगे आप? हाँ मुझे तो धमकी दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसके बाद आपके ऊपर एक और चार्ज लग जाएगा, एक पुलिस ऑफिसर को धमकी देने का चार्ज। आई डोंट केयर, एक्चुअली आई केयर अ डैम, हमारा जो होगा वो होगा, लेकिन उसके बाद हम जो आपका करेंगे क्या कर लेंगे आप? बस करो तुम दोनों। ये अस्पताल है कोई अखाड़ा नहीं, आप लोग ईश्वर घर चलिए चलिए यहाँ से छोड़ेंगे नहीं हम आपको।